हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि डीएवी क्लास 8 के लिए 2023-24 के स्टूडेंट्स के लिए डेट शीट जो है बोर्ड एग्जामिनेशन का वो रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ गाइज, आप लोगों का डेट शीट आ चुका है और आप लोगों का जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है वो 17th को है। ओके, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन जो है 17th को है। किस सब्जेक्ट का है वो हम लोग इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको सिर्फ डेट शीट ही नहीं, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिससे आप अच्छा से अच्छा मार्क्स अपने एग्जामिनेशन में ला सकते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने आपके सीनियर्स को भी गाइड किया है, वो आप 11th में होंगे, कुछ 10th में होंगे, मैंने उन्हें भी गाइड किया, उन्हें बताया कि कैसे वो लास्ट के कुछ दिनों में अपने तैयारी को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर उनकी तैयारी पहले से ठीक ठाक है तो वो और अच्छा बढ़ा सकते हैं, अगर थोड़ा डामाडोल भी है तो भी वो अच्छे से अच्छी तैयारी तक पहुँच सकते हैं। ओके, तो इस स्लो मिलो में हम लोग उस बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे कि आप लोग कैसे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले डेट शीट देख लेते हैं कि आपका किस दिन एग्जामिनेशन और किस सब्जेक्ट का है। तो सबसे पहले आपके सबसे अच्छे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है, दैट इज मैथमेटिक्स, एंड वो कब है? 17 फरवरी को आपका एग्जामिनेशन जो फर्स्ट है वो 17 फरवरी को है। किस चीज़ का? मैथमेटिक्स का। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि पहला एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का ही दे दिया, लेकिन मैं कहूँगा कि अच्छा किया कि पहला एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का ही आ गया, क्योंकि अंत में जब या बीच में जब मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया जाता है ना, तो शुरू से आपको टेंशन रहता है कि कैसे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, कैसे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, बीच में आप उसके टाइम खोजते हैं। लेकिन शुरू में मैथमेटिक्स आपको दे दिया गया है, इससे आपका क्या होगा कि आप जितना पढ़ना चाहें मैथमेटिक्स वो शुरू के कुछ दिनों में पढ़ लीजिए, उसके बाद मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन दीजिए, फिर ज्यादा एग्जामिनेशन जो भी आगे जाते आ जाएंगे उस पर आप फोकस आराम से कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला एग्जामिनेशन आपका 17th को है मैथमेटिक्स का। साइड में आपको 11th क्लास का डेट शीट दिख रहा होगा, तो आपके कुछ भैया है जो 11th क्लास में पढ़ते हैं, उन्हें आप ये डेट शीट भेज सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या ना इस बार कि आपके डेट शीट को रिलीज करने में काफी जगह डिले किया गया है। हर साल डीएवी क्या करता था, डीएवी बोर्ड, कि आपकी जो डेट शीट है वो दिसंबर के एंड में बिल्कुल रिलीज कर देता था, लेकिन इस बार काफी डिले हो गया, वो बिल्कुल जनवरी के एंड में डेट शीट को रिलीज कर रहे हैं। हो सकता है आपके स्कूल में भी अभी डेट शीट आया होगा, क्योंकि ये डेट शीट पता तो था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ऑफिशियल जब तक नहीं होता है तब तक कोई भी न्यूज़ आपको नहीं दिया जाता है। तो बिल्कुल वही है, अब ये डेट शीट डीएवी सीईई ने अपने वेबसाइट पे डाल दिया है, तो वहाँ से मैं आपको ये डेट शीट बता रहा हूँ कि अब आपका एग्जामिनेशन किस किस दिन होने वाला है। अभी आप बिल्कुल भी डाउट में मत रहेगा कि ये ऑफिशियल डेट शीट है कि नहीं, आपको मैं क्लैरिटी देना चाहूँगा कि बिल्कुल ऑफिशियल डेट शीट है, जो कि डीएवी के वेबसाइट से मुझे मिली है और उन्होंने अपलोड किया भी है। ओके, अब 17 का आपके एग्जामिनेशन के बाद आपका अगला एग्जामिनेशन सोशल साइंस का, जिसके लिए आपको 18-19 और कुछ आधा दिन आपको 17 का भी मिल जाएगा, तो लगभग अढ़ाई दिन का आपको मिल रहा है गैप सोशल साइंस के एग्जामिनेशन के लिए, जो कि मोर देन इनफ है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अगर नहीं भी की है तो आप कुछ दिन में अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। तीसरा एग्जाम आपका 23 तारीख को आता है, फ्राइडे के दिन, जो कि हिंदी का है। उसके बाद 27 तारीख को आपका साइंस का एग्जामिनेशन है, पूरा साल ही 3 दिन का गैप आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है वो संस्कृत का 29, उसके लिए आपको की छुट्टी दे दी गई है। फिर जिनका रीजनल लैंग्वेज होता है उनका है 1 तारीख को, किसी का रीजनल लैंग्वेज नहीं होकर के आईटी या फिर हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर का एग्जामिनेशन होता है, तो वो आपका यहां पर लिया जा सकता है 1 तारीख को। अगला आपका आता है 4 तारीख को एग्जामिनेशन, इंग्लिश के लिए आपको प्योर 2 दिन का छुट्टी दिया गया है, आप आराम से इंग्लिश को इतने दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला 6 तारीख को मोरल एजुकेशन का एग्जामिनेशन, एंड दैट्स द एंड हियर, यहां पे आपका एग्जामिनेशन खत्म होगा 6 मार्च को, बाकी उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। अब ये तो डेट शीट आपने देख लिया कि हाँ सर ये हमारा डेट शीट है, अब सवाल ये आता है ना कि सर मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, करी है तो कॉन्फिडेंस नहीं है, अब इनका क्या इलाज है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि मैंने आपके सीनियर्स को भी गाइड किया है एग्जामिनेशन के बाद, वो बिल्कुल यही कहते हैं कि हाँ सर जहाँ से आपने कहा था, जो क्वेश्चंस आपने टिक कराए थे, क्वेश्चंस बिल्कुल वहीं से आए हैं। ओके, और मैंने जो भी क्वेश्चन पेपर आपके सीनियर्स को सॉल्व करवाया है, क्वेश्चन उनमें से आए हैं। तो मैं आपको भी एक ही चीज़ कहूँगा, भरोसा रखिएगा मेरे पे, आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूँगा, एंड आप खुद एग्जामिनेशन के दिन आ करके कहेंगे कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब इसका राज क्या मैं आपको बताता हूँ, डीएवी बोर्ड हर साल कोई नए क्वेश्चंस नहीं देता है, वो क्या करता है पिछले 5-6 साल में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसी को खंगाल के एक नया क्वेश्चन पेपर बनाता है जो आपको दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एक ही सेट में आता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही सेट का क्वेश्चन पेपर चलता है, इससे उतनी दिक्कत उन्हें होती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और अगर रिपीटेड नहीं मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक में होते हैं जो अगर आप सॉल्व करके जाते तब अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके सीनियर
जब गाइड किया था तो वो आके एग्जामिनेशन में बताते थे कि हाँ सर ऐसा ही कुछ पेपर आया था, आपने जो बताया था 75-80% क्वेश्चन वहीं पर से थे। तो मैं आपको बिल्कुल यही कहूंगा कि अब मैं आपको डेली का डेली गाइड करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि आपको बचे हुए दिन में कैसे पढ़ना है। अब सवाल आएगा कि सर क्या यहाँ पर से पढ़ के हम अच्छे से, अगर हमने थोड़ी सी भी मेहनत की है, क्या यहाँ से पढ़ के हम अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंट 80% तक पहुँच सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्योरली देखिएगा तो आपके पास मिनिमम 20 दिन तो बचता ही है। ओके, अब 20 दिन आपके पास जब बचता है तो आप आराम से 20 दिन में अच्छा 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 तैयारी कर सकते हैं। बस अब आपको क्या करना है कि अब आपको क्वेश्चंस जैसे भी हो क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स में चाहे किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, एसएसटी में आपको इन टेक्स्ट को पढ़ना है, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको पढ़ना है, साइंस में आपको टेक्स्ट पढ़ना है। आप जानते हैं सवाल क्या होता है, सवाल ये होता है कि सर क्या देवी के बुक से हो जाएगा? जी बिल्कुल उसी से ही होगा। और क्या कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा, यहाँ पर आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ना मेरे डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लगेगा यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन के रिसोर्सेज का भंडार रखा हुआ है। जी बिल्कुल, वहाँ पे आपको इतने कंटेंट मिलेंगे कि आप भी सोच के रहेंगे कि मैं इतना कर पाऊंगा। जी गाइस, आपको करना पड़ेगा पूरा नहीं, अगर आप आधा भी करते हैं तब अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि उस स्पेशल प्लेलिस्ट में ऐसा क्या स्पेशल है कि मैं उसके बारे में आपको इतना बता रहा हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस, उस स्पेशल प्लेलिस्ट में आपको कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेंगे कि आपके लास्ट 5 डेज के लिए, लास्ट 15 डेज के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ओके, अब देखिए मैंने पहले ही कहा ये डेटशीट रिलीज करने में काफी डिले हुई है, इसलिए वहां पे आपको लंबी भी स्ट्रेटेजी मिलेगी, लेकिन अब मैं आपको कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिकल पॉइंट बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप अगर उस टाइप से पढ़ाई करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा मार्क्स यहां पर स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो वहां पर आपको स्पेशल पेज में क्या क्या मिलने वाला, पहले यहां पर सुन लीजिए, वहां जाने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ चेक करते चलिएगा, वीडियो आपका छोटा हो जाएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, एक बार आप उस लिंक पे पहुंच जाएंगे, उस प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे और देखिएगा वहां पे आपको प्रीवियस ईयर के लगभग 4-5 साल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्लास 8 के क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे 4-5 साल के, उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको सैंपल पेपर मिलेगा वहां पे, सैंपल पेपर पिछले 5-6 साल के सैंपल पेपर। क्या ये सब करना जरूरी है? जी हाँ गाइस, यही सब करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस लगभग यहीं से आते हैं, पिछले साल के सैंपल पेपर से, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से, कुछ क्वेश्चंस बुक से आते हैं, वही जो मैंने इंपॉर्टेंट टिक करवाए हैं। अगर आप उतना भी करते चलते अभी भी अगर आप उतना करते हैं तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स यहां पे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने हर एक चैप्टर से मार्क करवाए हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से करके चल जाएंगे तैयार तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि आप टाइम को वेस्ट नहीं करना है, जो भी टाइम बचा है इसमें पैनिक नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपका जो भी 10-15 दिन यहाँ पे बचा हुआ है उसे अच्छे से आप यूटिलाइज कीजिए, आपका अच्छा मार्क्स आएगा। बस मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि कल से एक स्ट्रेटजी वीडियो में दूंगा और कुछ आपको क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल के हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के और वीडियोस में आप लोगों को दूंगा, आप लोगों सारे वीडियोस को वॉच कीजिएगा, देखिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन मैंने वहाँ पे दिए हैं, कोशिश कीजिएगा खुद से सॉल्व करने की। तो हम लोग कल मिलते हैं एक नए स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ कि जो भी बचा हुआ टाइम है आपका 20-25 दिन का, उसमें आप लोग कैसे अच्छे से तैयारी करके एक अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी यही है। अब आपके लिए कोई दूसरी चीज जरूरी नहीं, आपने साल भर क्या किया, खेला कूदा, वो मैटर नहीं करता है, 10-15 दिन जो आपके बचे हुए हैं इसमें आप कितनी मेहनत करते हैं, शिद्दत से मेहनत करना होगा अगर आपको 80% चाहिए। क्या एक क्लास में मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है? इसका आंसर नहीं है। उसके साथ साथ क्या बोर्ड एग्जाम है या फिर एट का जो बोर्ड एग्जाम है इसमें अच्छा मार्क्स लाना जरूरी होता है? इसका आंसर हाँ, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपको एक इंप्रेशन बन जाएगा, क्योंकि 9th क्लास में जब आप जाइएगा तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने 8th क्लास में अच्छा किया है, उम्मीद रहेगी कि आप 9th क्लास में भी अच्छा कर पाएंगे, टीचर्स को भी अच्छा लगेगा और आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि आप 9th क्लास में जा रहे हैं तो एक बूस्टर कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं कि पिछले क्लास में आपने 85% स्कोर किया है तो 9th में आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। तो कल से हम लोग एक स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि कैसे आपको पर सब्जेक्ट पढ़ना है, अच्छे से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट की, उसके साथ साथ किन किन रिसोर्सेज को फॉलो करना है। मैं
अभी आपको रिसोर्सेज क्लियर कर दूंगा। मैं आपको ज्यादा इधर उधर की बुक्स बनाने को नहीं कहूंगा, आधे समय से मैं आपको बनाने के लिए नहीं कहूंगा। मैं आपको सिंपल यही कहूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में अपने डीएवी के बुक के साथ स्टिक रहना है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के साथ स्टिक रहना है, उसके साथ साथ आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, मोर देन सफिशियंट है, इतना आप आराम से मार्क्स स्कोर कर जाएंगे। यहाँ तक कि इतना ही रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए कुछ स्टूडेंट्स ने 80 में 80 भी लाया है मैथमेटिक्स में, और कुछ बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो कि 75 को भी पार किए हैं। तो बस मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो भी मैं आपको रिसोर्सेज दे रहा हूँ उसे अच्छे से फॉलो कीजिएगा, और उसी स्पेशल प्लेलिस्ट में आप लोगों को हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी मार्क करवाए हुए हैं। तो बस आपको वीडियो देखना है और ये देखना है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को अच्छे से आप सॉल्व करते चलिएगा, बनाते चलिएगा, याद करते चलिएगा, आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो कल मिलते हैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ कि कैसे आप पढ़ाई करेंगे और कैसे अच्छे से अच्छा मार्क्स अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज मैं बेसिकली आपको डेट शीट देने आया था और बताने आया था कि आपकी स्ट्रैटेजी 20-25 दिन के लिए क्या होनी चाहिए। बिल्कुल अंडरग्राउंड होकर के पढ़ाई कीजिए, कोई दूसरा काम आपको यहाँ पे नहीं करना है, आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपका कोई दोस्त है जो भी क्लास 8 में है तो उसे भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके कोई भैया होंगे जो 11th में होंगे तो आप उसे भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उनका हेल्प हो जाएगी, पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन का डेट शीट आ चुका है। अब तक आपके स्कूल में भी डेट शीट मिल गया होगा, आपके स्कूल में सैंपल पेपर भी दे दिया गया होगा, उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। जिनके स्कूल में डेट शीट नहीं मिला, कुछ दिन में मिल जाएगा। अभी फिलहाल आप इस डेट शीट के साथ स्टिक रहिए, आपका डेट शीट बिल्कुल 8 क्लास का यही होने वाला है, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे, बस रीजनल लैंग्वेज का ज्यादा कंप्यूटर का वहाँ पे डाला जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्ट्रेटजी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।